दोस्तों भारत जिसके अनोखे गांव की कहानी दुनिया भर में फेमस है। भारत के हर एक गांव की अपनी एक अलग पहचान और विशेषता है जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जानेंगे जो अपने अजीबोगरीब रीति रिवाजों के लिए मशहूर है। इस गाँव का नाम है देवमाली गाँव। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित देवमाली गाँव की कहानी अपने आप में बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में शहर के साथ साथ गाँव में भी लोग ईंट सीमेंट से बने पक्के मकान में रहने लगे हैं, लेकिन देवमाली एक ऐसा गांव है जहां के लोग अपने इच्छा से कच्चे मकान में ही रहते हैं। इनका मानना है कि यदि कोई व्यक्ति यहां पक्का का मकान बना लेगा तो वो गांव संकट में आने लगता है। इतना ही नहीं, वो पक्का मकान अपने आप ही ढह जाता है। जैसा कि हमें पता है कि शादी में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाया जाता है, लेकिन देवमाली गांव में ऐसा करना सख्त मना है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि दूल्हे को घोड़ी पर बैठाया जाता है तो गांव में हादसे होने लगते हैं, इसलिए इस गांव में एक भी दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठता है। वर्तमान समय में लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी बीमारी के अनुसार लोगों को शाकाहारी और मांसाहारी खाना की सुझाव देते हैं, लेकिन देवमाली गाँव के लोग सिर्फ शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। इसके अलावा आजकल जहां शराब पीना लोगों का फैशन बनता जा रहा है, वहीं इस गांव के लोग शराब को हाथ तक नहीं लगाते। हम सब पुराने समय से चोरी और लूट के बारे में सुनते आ रहे हैं और आज भी हमें चोरी डकैती की खबर सुनने को मिल जाती है, लेकिन देवमाली गांव में पिछले 50 सालों से एक भी बार चोरी की घटना सामने नहीं आई है और ना ही ग्रामीणों के बीच में कोई झगड़ा लड़ाई हुई है। यही वजह है कि इस गांव में मौजूद किसी भी घर में ताला नहीं लगाया जाता है। देवमाली गांव में 300 घर हैं और ये लोग अपने आप को एक ही पूर्वज के वंशज मानते हैं। इस गांव में देव नारायण भगवान का मंदिर है, जिन्हें गांव के लोग भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। गांव वालों की जमीन भी इनकी खुद के नाम पर नहीं बल्कि भगवान देव नारायण के नाम पर है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है बल्कि यहाँ 5 ईंट रखी हुई है और इन्हीं ईंटों की पूजा की जाती है। वैसे आप इस अनोखे गांव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें।